क्या तुमने कभी चाहा है कि समय को पीछे ले जाया जाए? सोचो, जो चीजें हो चुकी हैं, उन्हें फिर से कर पाएं या कल के नाश्ते को फिर से खा पाएं। कितना मजेदार लगता है ना? इसी सोच को कहते हैं टाइम ट्रैवल। ये हमको हमेशा से आकर्षित करती रही है, हमको समय के बारे में नए नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है। इसीलिए इसके बारे में बहुत सी कहानियां, फिल्में और टीवी शोज बनते हैं। एच.जी. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर डॉक्टर हू तक हम यही सोचते रहते हैं कि हम समय से कैसे खेल सकते हैं। टाइम ट्रैवल भले ही सिर्फ कोरी कल्पना लगे, पर इसके पीछे बहुत ही गहरे साइंटिफिक थ्योरीज हैं। मानो या ना मानो, टाइम ट्रैवल सिर्फ हॉलीवुड की देन नहीं है, इसकी जड़ें फिजिक्स में भी हैं। तुम सोच रहे होंगे, रुको, क्या टाइम ट्रैवल असली में हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ये फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है, पर यह एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समझाया है। ये थ्योरी फिजिक्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और ये समय को स्पेस के साथ जोड़कर एक फोर डिमेंशनल सिस्टम बनाती है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। असली मजा तो यहां से शुरू होता है। आइंस्टाइन के अनुसार हम सब टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, पर सब एक ही स्पीड से, एक सेकंड हर सेकंड। पर इस थ्योरी से पता चलता है कि टाइम को अलग अलग तरह से भी महसूस किया जा सकता है, दो चीजों के कारण, स्पीड और ग्रेविटी। बात करते हैं स्पीड की। सोचो तुम एक स्पेसशिप में हो जो अर्थ से प्रकाश, लाइट की स्पीड के आसपास भाग रहा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से तुम्हारे लिए समय धरती पर किसी के लिए चल रहे समय से धीमा हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। ये चीज कई बार एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो चुकी है। ग्रेविटी भी इसमें अपना रोल निभाती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, उतना ही धीमा समय चलेगा। इसलिए GPS सैटेलाइट्स जो धरती के ऊपर चक्कर लगाती हैं, उनके लिए समय हल्का सा तेज चलता है। अगर हम इस छोटे से फर्क को ना देखें तो हमारे GPS सिस्टम्स कुछ ही किलोमीटर में गलत लोकेशन दिखाएंगे। तो एक तरह से हम तो रोज ही टाइम ट्रैवल कर रहे हैं GPS के जरिए। पर इससे पहले कि तुम अपने फ्यूचर में जाकर खुद से मिलने के सपने देखने लगो, याद रखो कि ये टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन जैसा बिल्कुल नहीं है। हम जैसा चाहें वैसा ईयर्स आगे पीछे नहीं जा सकते। टाइम डायलेशन बहुत ज्यादा स्पीड या ग्रेविटी में होता है, जो अभी हम कर नहीं सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं, बस हर एक सेकंड की स्पीड से। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं, है ना? चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि तुम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और तुम्हारे सामने से एक ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से गुजर जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार तुम्हारे लिए और ट्रेन पर बैठे हुए किसी इंसान के लिए समय हल्का सा अलग चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम और स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई टोकरी हो जिसे धागों से बुना गया है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रेसाइज एटॉमिक क्लॉक से टेस्ट किया जा चुका है। एक घड़ी को मोशन में रखकर और एक को बिल्कुल स्टिल। जो घड़ी चल रही होती है वो थोड़ी सी धीमी चलती है, पर क्या हो अगर हम फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के आगे जाना चाहें? इसके लिए हमें वर्म होल्स और टाइम डायलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। वर्म होल को ऐसे समझो जैसे वो कोई कॉस्मिक शॉर्टकट हो, जैसे किसी कागज को मोड़कर उसमें छेद कर दिया जाए जो स्पेस और टाइम में दो अलग अलग जगहों को जोड़ता है। लेकिन एक मुश्किल है, वर्म होल्स थ्योरी में तो पॉसिबल हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। ये ऐसे है जैसे पकी इसे बनी रस्सी से चलने की कोशिश करो। इसे खुला रखने के लिए कुछ चाहिए होता है जिसे एग्जॉटिक मैटर कहा जाता है, जो कि तुम्हारी पड़ोस की दुकान से नहीं मिलता। ठीक इसी तरह टाइम डायलेशन भी हमको शायद भविष्य में ले जा सकता है। ये टाइम को एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। तुम जितनी तेज भागोगे समय उतना ही धीमा चलेगा तुम्हारे लिए, उस इंसान के समय की तुलना में जो खड़ा हुआ है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिसेबल टाइम डायलेशन करने के लिए तुम्हें लगभग प्रकाश की स्पीड से चलना होगा, जो कि अगर तुम्हारे पास कोई रॉकेट नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब ये हुआ कि टाइम ट्रैवल जैसा हम साइंस से समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। यह पैराडॉक्सिस फिजिक्स की थ्योरीज और ऐसे सवालों से भरा है जिनका जवाब हमें नहीं पता। टाइम ट्रैवल का ख्याल जितना मजेदार है उतना ही पेचीदा भी है। टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस के लिए ही दिलचस्प नहीं है, कहानियों में भी टाइम ट्रैवल को बहुत यूज किया जाता है। जब हम पॉप कल्चर की बात करते हैं, हमको ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जहां टाइम ट्रैवल हुआ है, सबके अपने अलग अलग रूल्स और रिजल्ट्स के साथ। लिटरेचर में एच.जी. वेल्स की किताब द टाइम मशीन बहुत मशहूर है, जिसमें हमें एक ऐसी मशीन के बारे में पता चलता है जो हमको किसी भी समय में ले जा सकती है। ये किताब बताती है कि टाइम ट्रैवल से समाज पर और टेक्नोलॉजी पर क्या असर हो सकता है, हमसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। टेलीविजन पर डॉक्टर हू जैसे शोज में टाइम ट्रैवल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। डॉक्टर का टार्डिस
जो एक ब्रिटिश पुलिस बॉक्स जैसा दिखता है, हमको टाइम और स्पेस में एडवेंचर्स पर ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि टाइमलाइन से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। फिल्म्स में भी टाइम ट्रैवल एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से कहानियों को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। जैसे बैक टू द फ्यूचर, फिल्मों की पूरी सीरीज ही इस बात पर बनी है कि एक डिलोरियन कार टाइम में ट्रैवल कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत ड्रामा और कॉमेडी होती है। और हाल ही में एवेंजर्स एंड गेम में भी टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके ही कहानी पूरी की गई थी। सुपरहीरोज पास्ट में जाकर अपने प्रेजेंट को बदलने की कोशिश करते हैं, पर याद रखना जरूरी है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। इन स्टोरीज में टाइम ट्रैवल के जो रूल्स हैं, वो कहानी को असरदार बनाने के लिए हैं। इसका असली दुनिया की फिजिक्स से कोई मेल नहीं है। असल में जैसा हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है, टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं और टाइम को स्पीड और ग्रेविटी से बदला जा सकता है। फिर भी फिल्मों और कहानियों में टाइम ट्रैवल दिखाने का बहुत असर हुआ है। इससे हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं और अपनी यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। ये साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स को भी हमारी समझ से परे जाने के लिए उत्साहित करते हैं। टाइम ट्रैवल की कहानियां भले ही असल दुनिया जैसी ना हों, पर बहुत दिलचस्प जरूर हैं। तो क्या कभी हम बीते हुए कल का नाश्ता फिर से कर पाएंगे या फ्यूचर में खुद से मिलने जा पाएंगे? इस सवाल से हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, और ये हमको ये सोचने के लिए भी कहता है कि ये मुमकिन भी है या नहीं। टाइम ट्रैवल रिसर्च का फ्यूचर अभी बहुत ही दिलचस्प है। इसमें बहुत अच्छे साइंटिफिक तरीके हैं, पर दार्शनिक बातें भी। भले ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम ट्रैवल की बात की गई है, अभी हम किसी टाइम मशीन में बैठने से बहुत दूर हैं। अभी हम जो टाइम ट्रैवल के बारे में समझते हैं, वो थोड़ा हल्का है। वो ज्यादातर इस बारे में है कि समय को कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है, कैसे ये बदल सकता है स्पीड और ग्रेविटी की वजह से। टाइम ट्रैवल का फ्यूचर शायद इन्हीं चीजों के बारे में खोज करेगा कि कैसे टाइम और स्पेस एक साथ काम करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक खोजों की जरूरत होगी, पर साइंटिफिक मुश्किलों के साथ साथ टाइम ट्रैवल से बहुत से एथिकल और फिलोसॉफिकल सवाल भी खड़े होते हैं। अगर हम पास्ट को बदल देते हैं तो क्या होगा? क्या हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं? क्या हम फ्यूचर या पास्ट में खुद से मिलेंगे? और अगर मिले तो हम उनको क्या कहेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो साइंस दे सकता है, ना ही फिलॉसफी। इनसे पता चलता है कि हम आइडेंटिटी, कैजुअलिटी और डेस्टिनी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल हुआ तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक अजूबा नहीं होगा, यह एक फिलोसॉफिकल सवाल होगा, एथिकल समस्याओं से भरा होगा और यह दिखाएगा कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इससे हमको टाइम क्या होता है, रियलिटी क्या है और हमारी इसमें क्या जगह है, दीज सब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम आखिर में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, पर अभी के लिए इस बारे में सोचना भी कितना मजेदार है ना। तो ये रही हमारे टाइम ट्रैवल की सैर, या कम से कम इसके बारे में हमारी डिस्कशन। हमने टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस के बारे में बात की, इसके इतिहास की वेव्स पर सवारी की और फिर इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझने की कोशिश की। हमने ये देखा कि किस तरह टाइम ट्रैवल, जो पहले केवल साइंस फिक्शन में ही होता था, अब हमारी GPS सैटेलाइट्स में भी देखा जाता है। फिर हम पॉप कल्चर की रंगीन दुनिया में घूमे, जहां अलग अलग कहानियों में टाइम ट्रैवल सबसे बड़ा स्टार रहा है। और आखिर में हमने फ्यूचर में झांकने की कोशिश की, जहां शायद हम बीते कल का नाश्ता कर रहे हों या फ्यूचर में खुद से मिल रहे हों। यह फ्यूचर कितना एक्साइटिंग है और इसमें कितना कुछ हो सकता है, ये सोचना भी मुश्किल है। पर याद रखना, टाइम ट्रैवल के बारे में जितनी जानकारी हमको मिल चुकी है, वो बस बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, पूछना बाकी है, समझना बाकी है। तो चलो ये जर्नी साथ में ही पूरा करते हैं। अपने विचार, सवाल और थ्योरीज हमको बताओ। चलो टाइम ट्रैवल के बारे में और भी बातें करते हैं, कुछ ऐसा जिससे हम खुद रियलिटी को और अच्छे से समझ सकें। याद रखो, टाइम ट्रैवल मुश्किल है, पर ये इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी की सैर भी है। तो सोचते रहो, सवाल करते रहो, पता नहीं शायद किसी दिन तुम कल का नाश्ता सच में कर रहे हो।